नाउ स्टूडेंट्स जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्राउज़र में जब हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दराज डॉट पी के तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ या मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है और वेब सर्वर मेरी मर्ज़ी का जो पेज है या जो मैं जिस पेज की मैंने रिक्वेस्ट की है वो मुझे सर्वर से पुल करके मुझे ब्राउज़र में दिखा देता है अब बहुत ज़्यादा फैसला होगा कि जिस पेज की मैंने रिक्वेस्ट की है वो सर्वर पे मौजूद नहीं है या यूं समझें कि मेरी एक वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर मैंने किसी दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस दिया हुआ है यानी कोई पर्टिकुलर पेज रेफर किया हुआ है डब्ल्यू 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 डॉट बी बी सी डॉट कॉम स्लैश हेल्थ डॉट एच एम एल फॉर एग्जाम्पल अब बी बी सी डॉट कॉम स्लैश हेल्थ डॉट एच एम एल हो सकता है एग्जिस्ट ना करता हो यानी उसका कंटेंट पुराना हो गया हो या उस पेज का जो टाइटल है वो चेंज हो गया हो वो पेज ही डिलीट हो गया हो देर कैन बी मल्टीपल रीजन लेकिन इससे इससे मतलब ये है कि जितने पेज बी बी सी डॉट कॉम स्लैश हेल्थ डॉट एच एम एल पे आ रहे थे अब जब वो विजिट करने आएंगे तो वो पेज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो विजिटर आएगा बीबीसी डॉट कॉम स्लैश हेल्थ डॉट एच एल पे तो उसको तो एरर नजर आ जाएगा एरर से मुराद है उसको नजर आएगा पेज नॉट फाउंड दिस इज नॉट कंसिडर टू बी अ वेरी गुड यू नो know, सी ओ प्रस अगेन जो सर्च इंजन है उसको भी वो पेज नजर नहीं आएगा ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो डिलीट हो गया और जो विजिटर है उसको भी नजर नहीं आएगा तो इट अ इंपैक्ट ऑन पेज रैंक तो 301 वो कोड है जो सर्वर रिटर्न करता है जब यूजर किसी पेज की रिक्वेस्ट करता है अब थ्री को हम लोग बोलते हैं अ परमानेंट रीडायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल ये आपको ये पिक्चर दिखा रही है कि मैंने वेब पेज ए की रिक्वेस्ट की है मुझे वेब पेज ए की रिक्वेस्ट करते वक्त वेब पेज ए ही लिखना पड़ेगा ब्राउजर में लेकिन जो पेज मुझे नजर आ रहा होगा ना वो पेज ए नहीं होगा वो एक्चुअली पेज बी होगा तो बिहाइंड सीन्स हमने क्या किया होगा कि जो बीबीसी वाले हैं उन्होंने पेज ए को रीडायरेक्ट कर दिया होगा पेज बी पे मतलब अब मुझे एरर नजर नहीं आएगा आई विल नो मोर फाउंड एनी एरर एम टी पेज मुझे पेज नजर तो आएगा लेकिन वो ए पेज नहीं होगा इसको हम थ्री ओ वन बोलते हैं कि आप अपने जिस पेज की रिक्वेस्ट यूजर कर रहे उसको उसी पेज की रिक्वेस्ट करने दे लेकिन जो कंटेंट या जो पेज आप उसे दिखाएं वो वो पेज हो जहां पे ओरिजिनल रिक्वेस्ट आपने रीडायरेक्ट कर दी है फॉरवर्ड कर दी है कि मैं फॉर एग्जांपल पेज ए को देखना चाहता हूं तो मुझे एक पेज नजर तो आ रहा है लेकिन वो पेज ए नहीं है इट विल डिपेंड के रीडायरेक्शन uh, की जो कंटेंट की क्वालिटी थी वो सेम थी कि नहीं मतलब दिस कम टू नेक्स्ट पिक्चर के जब हम पेज ए को रीडायरेक्ट करते हैं पेज बी पे इसके दो मतलब है या इसके दो पॉइंट आपने समझने हैं वो ये है कि एक तो यूजर को एरर नजर नहीं आएगा या सर्च इंजन को एरर नहीं नजर आएगा यानी पेज को नजर आएगा दूसरा जो पेज ए का पेज रैंकिंग का स्कोर था या जो वेटेज थी ऑब्वियसली जो वेटिंग स्कोर है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं गूगल का वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन हम ही कर सकते हैं तो लेट सपोज पेज ए है उसके ऊपर जो जो पेज रैंक की स्टैटिस्टिक थे या जो पेज रैंक की उसकी कंडीशन थी हेल्थ जो थी वो अच्छी थी जब हम रीडायरेक्ट करते हैं पेज ए को पेज बी पे तो जो पेज ए की हेल्थ थी जो पेज ए की वेटेज थी लेट सपोज दस में से गूगल ने वेब पेज ए को नंबर दिए हुए थे फॉर एग्जाम्पल तो छ के छ नंबर अब आगे री रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेज बी पे मतलब गूगल अब जो नंबर पहले पेज ए को दे रहा था अब वो पेज ए को देने के बजाय पेज बी को देना शुरू कर देगा जो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है बिकॉज़ इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस तो जो थ्री ओ वन है उसके दो इंपैक्ट है एक तो यूजर को ओरिजिनल पेज की जगह वो पेज दिखा दो जो रिडायरेक्ट हुआ है नंबर वन नंबर टू गूगल जो है उसको भी ये बता दो कि जो पेज ए था अब वो पेज बी है तो गूगल ने जो नंबर पेज ए को दिए हुए थे फॉर एग्जाम्पल पेज रैंक में वो ऑटोमेटिकली वेटेज पास ऑन हो जाएगी पेज बी को दिस प्रोसेस माइट टेक सम टाइम बहुत आसान से रीजन है उसकी कि हमने ये डिस्कस किया कि जो सर्च इंजन का क्रॉलर है वो डिफरेंट पेजेस को विजिट करता रहता है ऑन एंड ऑफ और जो कंटेंट लिखा होता है उसके अंदर पेज के अंदर उस कंटेंट की बेसिस के ऊपर इंडेक्सिंग करता रहता है या जो पेज रैंकिंग है वो करता रहता है तो इसका मतलब ये कि जब क्रॉलर विजिट करेगा नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम जब क्रॉलर ने विजिट किया था तो पेज ए मौजूद था अब पेज ए हो गया है खत्म आपने पेज ए को रीडायरेक्ट कर दिया है पेज बी पे आपने तो कर दिया है वो क्रॉलर दोबारा नहीं आया अभी तो क्रॉलर के पास अभी पेज ए ही मौजूद है तो नेक्स्ट टाइम जब क्रॉलर आएगा तो क्रॉलर अपने इंडेक्स को ये बताएगा कि अब पेज ए की जगह पेज बी को इंडेक्स करना है तो नेक्स्ट टाइम और लास्ट विजिट के दरम्यान का जो टाइम है दिस इज द टाइम जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं मतलब ये इंस्टेंटली नहीं हो जाएगा इट माइट टेक सम टाइम तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी शुड हैंडल थ्री यो वंस और ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग होता है यानी आप वेब पेज बना रहे हैं उसका कॉन्टेंट एक्सपायर हो गया है उसका कॉन्टेंट अब पुराना हो गया है यू कीप ऑन रिमूविंग ओल्ड पेजेस एंड यू कीप ऑन एंड यू कीप ऑन एडिंग न्यू पेजेस तो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रोसेस और ये बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा uh, बड़ी वेबसाइट्स है उसमें कॉन्टेंट ही कि जो गेम है सारी तो कोई वेबसाइट एक्सपायर्ड कंटेंट अपनी वेबसाइट पे उनकी कोशिश होती है कि कम से कम रखें सिंपल रीजन कि जो गूगल का सर्च इंजन है उसको रैंकिंग के दौरान उसको इस फैक्टर को वो काउंट करता है दिस इज ऑल अबाउट थ्री ओ